हम अपने सफर का बाकायदा आगाज कर चुके हैं। हमारे साथ कैपिटल हिल्स इस्लामाबाद, वो एक नया आपके साथ एक तगड़ा, बहुत तगड़ा मैं समझता हूँ एक ग्रुप जुड़ा है पाकिस्तान में बिलउमूम और इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बिलखुसूस। बहुत नेक नामी है, बहुत अच्छी रिव्यूज है। क्यूबा एक मुल्क है, उसके दारुल हुकूमत या कैपिटल का नाम हवाना नेम है। हमारी गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। आपने डिफरेंट एक्टिविटीज देखी, तो हमारे पास दो हट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के खाने पक रहे हैं। खाना उन्होंने रखा 3 बजे का, इतने कोलियां तो बनाते नहीं, तो भूख ना बुरा हाल होया वा, ये कदों बनना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूबा और आज इस प्यारी सी क्यूट सी जगह पे मैं मौजूद हूं कोरल बीच रिजॉर्ट में। और क्यों आई हूं बल्कि हमारी पूरी टीम आ चुकी है इस वक्त, इसलिए क्योंकि आज है एक अदद स्पेशल डे। यहां की खूबसूरती, सनसेट, मौसम, बीच, वो 150 पाम ट्रीज को इंजॉय करने की वजह क्या है, क्योंकि आज के स्पेशल डे पे आफ्ताब साहब ने दे रखी है हम सबको एक अदद शानदार दावत, जिस पे हमारे बहुत से गेस्ट्स मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड से भी आए हैं, जो कि कनाडा से भी आए हैं, जो सऊदीया से भी आए हैं। कनाडा से हमारे साथ आ जाएंगे नासिर शाह साहब एंड को, और सऊदीया से हमारे एक अदद बहुत खास पेट्रन आए हैं। और हमने सारा दिन जो गुजारना है, व्लॉग भी करेंगे, बातें भी करेंगे, उसके बाद होगा हमारा बफे डिनर। सो आइए चलते हैं आज के दिन में क्या क्या करने जा रहे हैं, साथ चल के देखें। मनोज कपूर सीमी जी आज आज आओ जी। क्या हाल है? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। बहुत खूबसूरत मंजर है भैया, और ये कुर्सियां जो लगी हुई हैं, इनसे इस्तेफादा ना करें, इन्हीं पे बैठे आज। मौसम बहुत खुशगवार है, मौसम आजकल तो आइडियल है, रात को ठंडी ठीक ठाक यख हवा चलती है। लास्ट वीक दो दिन ऐसे आए थे कि ऐसे लगता था बस गर्मी आ गई, सो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कुछ पता नहीं। दो महीने मैं समझता हूँ अप्रैल तक ना ये टॉलरेबल रहेगा, इमीडिएटली आफ्टर अप्रैल मसाइल होंगे, और अल्लाह करे कि उस वक्त तक हमारा कोई ट्रिप ऐसा आ जाए कि हम सैर सपाटा कर लें। आज मैंने चेक किया ना, वो अल्ट्रा वायलेट रेज वो कोई 8 के करीब थी, विच इज़ वेरी हाई। यहाँ पे? हाँ, मतलब शारजा में, क्योंकि सूरज तो खुल खिल के निकलता है दोपहर में जब आप बाहर निकलो। इसका नाम इसीलिए शारका, शारका मशरक, मशरक से नहीं तो आई थिंक खाली शारजा नहीं, हर जगह इसी तरह धूप और गर्मी है। ये कुछ जगह होती नहीं लगता, यहाँ सूरज जरा ज्यादा जोर से
पड़ता है। अच्छा सर, इससे पहले कि हम कोई अपनी एक्टिविटी शुरू करें, मेरे पास चंद बहुत सीरियस किस्म की क्वेरीज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स हैं लोगों के, मैं पहले आपसे वो पूछना चाहती हूँ। उस तरफ आ जाएं, लेकिन मैं भी आपको तंबीह कर रहा हूँ कि मैंने अभी देखे हैं वो जो है ना, वो रैपर्स है ना हमारे, ये यहाँ फिर रहे हैं कहीं। सर उनको इजाजत कौन देता है ऐसी जगहों पे आने की? अच्छा, वो अंग्रेजों के साथ ना कोई अजीब सी अफ्रीकन अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं बेचारे कि अपने मुल्क के कोई बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, है ना, और अपनी कोई जुबान बोल रहे हैं। अच्छा जी, आप कुछ पूछ रही थी। सर सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोगों को कंप्लेन है ये कि आपसे लोग राबता करना चाह रहे हैं, आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनना चाह रहे हैं और आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। नहीं, मुझ तक पहुंची है ये बात, ये गुजारिश उनकी खिदमत में आप भी कर दें और आज क्लैरिटी के साथ मैं इस व्लॉग में भी तस्करा कर रहा हूँ कि भैया ऐसा नहीं है कि आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड करने में टाइम इतना ले रहे हैं। बात यह है कि जब आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ना जी, हाँ, तो इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप बस ब्रांड एम्बेसडर बन गए जी, बात खत्म होगी। हाँ, आपको छानबीन करनी पड़ती है कि कौन क्या है। एग्जैक्टली आप गवाह हैं। यस, आस्क हिम, आई हैव पुट हिम टू टास्क, किसी का काम था, मैंने इनके खाते में डाल दिया और कल से लगे हुए हैं ये दो चार और दोस्त। आई विल नॉट नेम द क्लाइंट्स बट पीपल हु आर वेरी एंथुसिएस्ट, हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग मी on board ji, I am also very interested, lekin I have to do the due diligence as they call it. Yes, ki jab tak aap matlab ek developer hai ji, ha, usne multi million dollar project ek launch kar rakha ji, mujhe ye check karna hai ki uske paas NOCs hain ki nahi. Ha, mujhe ye dekhna hai ki uske paas rakba kitna hai, usne khilara kitna kiya hua hai, wo kehta kya hai aur actually kya hai. Aur shukr alhamdulillah jab aap ye sara kuch kar rahe hote hain na, us waqt Shakil sahab और कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा होता है बेशक। ये बहुत जरूरी है जी, ड्यू डिलिजेंस, सो यू डोंट मिस द ट्रेन, यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आपको आइंदा जो प्रॉब्लम्स हो सकते थे, मसाइल हो सकते हैं, आप उनका तदारुक, उनका सद्देबाब स्टार्ट में कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज आती है हमारे पास, आपको पता ना मेरे से एक तसाहुल हो गया था के? एक यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में मैंने वो गुफ्तगू कर दी जो एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करते थे और somehow मुझे फिर बाद में माजरत करनी पड़ी क्योंकि उनके मसाइल कुछ, लोगों के कॉल और फेल में फ़र्क होता है। तो अब भी कुछ इदारे हैं हमारे पास ऐसे आए कि जी हमें एंडोर्समेंट, जब आप एंडोर्स करते हैं ना किसी को जी, एंडोर्समेंट इज बीइंग देयर ब्रांड एम्बेसडर जी। हाँ, मैं जिस जगह बैठा हूँ मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे कोरल बीच के बारे में मैं समझता हूँ, एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। It's credibility, it's honor, it's grace कि कोई आपको इस काबिल समझता है कि जी आप हमारे लिए बात करें, हमारा तस्करा करें, हमें अच्छा लगेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है। तो ये अल्लाह ने जो अता कर रखी हम पे, ये उसी का नतीजा है बेशक। तो भाई अजमान पैलेस है, हाँ, मैं उसका नाम इस तरह लेता हूँ जैसे किसी श्राइन का लेते हैं, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट, जितना ऑनर ये लोग हमें देते हैं। मेरा पहला शो जो प्रॉपर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के साथ हुआ था इस खित्ते में जी, वो वहीं पे था। सर उसी से मुझे याद आया, खबरहार क्या वाकई डोलड्रम्स में है? खबरहार यहाँ पे नहीं होगा सर, लोग आपकी इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ दोस्ती नहीं कर रहे, वो शो के साथ भी मोहब्बत नहीं कर रहे, वो अपनी बेसब्री में बाकायदा बेवफाई कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं तो कम से कम अपने शो के साथ तो वफा करो। तो इसमें क्या मसला क्या है? मसला ये है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कोई आपसे कहे कि कॉमेडी थोड़ी सी डिल्यूट कर दें। एक कॉमेडी है जिसका नाम हिलैरिटी है, एक हिलैरियस तरीके से आपने काम करना है। आप कहें जी डिल्यूट करके, जरा हाथ हौला करके कॉमेडी करें। भाई हाथ हौला करके तनकीद तो हो सकती है, हाथ हौला करके एक्शन हो सकता है, वायलेंस हो सकती है, जी वायलेंस बहुत ज्यादा कम कर दें, बात बड़ी बोल्ड है जरा टोन डाउन कर दें जी। कॉमेडी के लिए कोई नहीं कहेगा आपको कि इसको न्यूट्रलाइज करें, ऐसे ही है जैसे हम पंजाबी लोग हैं, असी मुंह भर के लतीफा सुना रहे हो तो कोई कहे जी अंग्रेजी सुना दो ये लतीफा। हाँ। इवन उर्दू में, उर्दू इतनी महजब जबान है, इतनी शानदार जबान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं पंजाबी गैर महजब है। उसका अपना आहंग है, अपना सलूक है, पंजाबी का अपना आहंग और उसलूब है। तो ये हो नहीं सकता, जो कॉमेडी हम कर रहे हैं वो मोस्टली पंजाबी में होती है,
हम उसको टोन डाउन करेंगे कि नहीं जी नहीं ये बात तनकीद के ज़ुमरे में आ जाती, तो भाई कॉमेडी में तो होती ही तनकीद। हमने अपनी हुकूमतों की, अफसरों की, इदारों की अपनी तरफ से इसलाह करनी है ना जी, तो इसलाह करने के लिए उनके नॉब्स जो हैं उनको छेड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अगर नागजीर हुआ, बहुत ही ज़रूरी हुआ, तो मैं कैनेडा से, अमरीका से कर लूँगा। अव्वल तो दुआ करें कि हम पाकिस्तान से करें। यहाँ पर हम जो करेंगे ना वो ट्रेवलॉग्स हैं, वो सोशल इश्यूज के ऊपर शोज हैं, जैसे मजीद धमाकते टाइप चीजें जी। तो वो, सर वो जो एक जिक्र है कि आपका स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो वो कॉमेडी उस पर करेंगे ना, कॉमेडी होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन खबर हार अच्छा, बाय द वे आपने नहीं देखा वो जो तैयार हो रहा है, उस दिन जब बस से उतरे थे सारे? नहीं मैंने। शकील साहब जी मैं गया था, ही वाज देयर। शुक्र है मैं इन्हें साथ ले गया था और बहुत से मेहमान जो है वो, चूंकि हमने केटरिंग का सामान उतारना था वहाँ पे, शुक्र है मुझे मौका मिल गया, तो मैंने कहा सारे देख लें, वो सारा वहाँ पे वो किया, बन रहा है सारी चीजें। नहीं तो यही कह रही हूँ कि वो जो स्टूडियो तैयार हो रहा है उसमें खबर हार नहीं होगा। खबर हार नहीं होगा, खबर हार अब नहीं होगा, ये कुछ दिन बाद में होगा। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगा। वाह पता था तुमने आना है, मैं तुम्हारी झलक देख चुका हूँ। एक आपको एंकर कौन होने देता है ऐसी जगहों पे? वहाँ पे बता के हैं कोई अफ्रीकन फेस्टिवल हो रहा है, हम उसमें शिरकत के लिए आए हैं, तो यहाँ पे जरा आपका होटल देखने आए। यार क्या करने आते हो यहाँ पे तुम, बताओ तो सही। असि थोड़े को आए हैं, सानू अपने शो दे विच चांस दियो। नहीं है, कोई चांस नहीं है। साडे चैलेंज नहीं है, साडा तजर्बा नहीं है, ते फिर की चीज नहीं हैगी? शर्म हया। असि जो होटल दे विच बड़े हैं, शर्म हया, असि काउंटर ते फड़ा के आ गए हैं। नहीं सर, आपको इनमें कौन सा टैलेंट नजर आया? होगा ना, वो टैलेंट मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। नहीं क्योंकि अगर है भी तब भी वी डोंट केयर। दिल तेरे कदमा च रखे आ, तू प्यार ते पाते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगे जा जाके वो खाते सही। वो अपना दिल उन्होंने कदमा च ना रखी, उन्होंने ठुड्डा मार देना है। चीची चीची क्यों कर दियो, तस्मा खुल गया है क्या? तस्मा खुलने पे कौन करता है ये? तौबा, ये क्या कॉमेडी है सर? आप इन्हें वापस क्यों नहीं भेजते? अगर मुझे चाचे बूटे का ख्याल ना होता, मैं एक लम्हे में भेज देता वापस। सर चाचे बूटे से याद है, लोग कहते हैं कि चाचा बूटा बहुत गालियां देता है। नहीं नहीं मैं नहीं समझता गालियां, ये कल्चर है, एक पंजाबी कल्चर जिससे चाचे बूटे का ताल्लुक है ना, उससे आपका, आप भी पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ, शकील साहब पंजाबी हैं, हमारा ताल्लुक अब उस कल्चर से नहीं रहा, आपका तो शायद कभी ना रहा हो, तो हमारा अब नहीं रहा, लेकिन हमारा बचपन जिस कल्चर में गुजरा है वहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी गालियां जिस तरह चाचा बूटा करता है। गुर्बत बहुत हुई है। देखिए अब ये इसका स्टाइल है, बड़ा ताया चाचा जो एक एक कैरेक्टर हुआ करता था एक जमाने में, वो बज़ाहिर मतरूक सा लगता है मोहल्ले में, खानदान में, लेकिन एक्चुअली वो एक बड़ा कीमती आदमी होता है। ही कीप्स एन आई ऑन एवरीबडी जो आता जाता, ओए की कर रहे हैं, मैं सब पता है, ऐसे ही कितने काम करना तू, मैं आना किसी दिन चेक करना तेरी फैक्ट्री च। इसी तरह ही माइयाँ होती हैं, नहीं ध्यान ना रहा करो, मैं देख रही हूँ नहीं, ये एक स्टाइल होता है। लेकिन आई थिंक वो वाला कल्चर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया है। जी जी एक्सटिंक्ट हो गया, जो पहले ये अंदरून शायद यू नो शहरों के, और ये बहुत खूबसूरत कल्चर है, ये बड़े कीमती असासे हुआ करते थे, ये आपस में लोगों को जोड़ा करते थे, खानदानों को एक दूसरे से जोड़ा करते थे, फिर तनकीद करते हैं, मुंह फट होते हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो बात गलत है वो गलत है मुंह पे कह देते हैं, अब तो बस लेते हैं इतनी है ना, तो ये वो कैरेक्टर है जो है पहनशाया कर लेते हैं, आई डोंट माइंड, जिसने नहीं देखना ना देखे। कुछ हमारे जो नाजरीन है वो ये भी कहते हैं कि आप रोका ना करें इनको। हाँ वो yes. तो कहते हैं कि जी चाचे को आप फ्री हैंड दे दें, फ्री हैंड दे दें, रैपिड फायर करने दे उसको। मैंने कहा पागल हूं मैं उसे करने दो, चाचा तो रुकता ही नहीं है, तो इसलिए बैन बैन रखना है हमने। भाई साहब गौर से सुन लीजिए, चाचा बूटा इज देयर टू स्टे, The way he is. हाँ, ये कोई तब्दीली इसमें नहीं आएगी, कोई इसमें, हाँ जहाँ थोड़ा सा तजावज कर जाता है मैं इसे वहां भी नहीं रोकता,
लेकिन ये कि मैं उसके ऊपर बीप लगा देता हूँ। तो ये अब किस हद तक मैं सेक्रीफाइस करता रहूँ, पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं कर सकता, तनकीद मैं नहीं कर सकता। तो अगर चाचे बूटे के साथ हम सोशल एल्स, सोशल इश्यूज को डिस्कस करते करते कॉमेडी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान की क्या बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये शकील साहब का रंग एडा चिट्टा ना होता, इन्होंने चाचे बूटे तो बहुत ही गाला कढ़नी सी। नहीं, रंग से नहीं होता, ये तालीम और तहजीब से होता है, सीखने से होता है। ओ नहीं, रंग जेड़ा है ना, रंग भी बड़ा अकाउंट करता है। शकील साहब वर्गे बंदे जदों शादी ते जांदे घरों फोन जरूर आंदा, तुसी फिर शर्ट दानियल दी पाके आ गए हो। दानियल दी, अब ये क्या बेवकूफी है कि तुसी दानियल दी शर्ट, अब हु नोस दानियल कौन है? कौन है हुंदा इन वड्डे मुंडे दी पाके आ जांदे? मैं होई डवा डोल, तूने मेरे कोल आ फड़ ले मेरी बावे। लखी दुबन लगा है, ओ फिकरा है, फिकरा अच्छा है। फिकरा मैं दस भी ना, सारा मोशन तोड़ देता है तू। मोशन ये मोशन तो लगता नहीं होते गाने में, जब मोशन बनता है वो, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा उस मोशन की गल करता है। फिर आफताब साहब की सोचा है? बस सोच लिया जो सोचना सी। की मतलब कोई अच्छी गल ही सोच ला तुम्हारी गुंजाइश? रिश्ता नहीं, साड़ियां शादियां हुई हैं, रिश्ता कोई नहीं। ओह गॉड, रिश्ता का मतलब बता दो, मैं तुम्हें जॉब दे देता। रिश्ता, रिश्ता का लफ्जी मतलब क्या है? एक मिनट के अंदर अंदर बता दो, एक एक हजार दिरहम भी दूंगा और जॉब भी दे दूंगा। रिश्ता, बहन भरा रिश्ता, मियां बीवी रिश्ता। देखा कितना आसान था, ते हजार रुपया कितने दे पुत्र, एडा भी आसान नहीं। ये किसाने ना फिर फ्रॉड हो गया। मैं तो समझा सी 80-85 दी लग गई, लेकिन नहीं, को गाना तो भी गाला, वो गाने भूल गए ने। रिश्ता का मतलब ऐसे थोड़े रहने बेचारे। रिश्ता उस धागे को कहते हैं जिसमें मोती पिरोए होते हैं। वो केड़ा धागा होया भाई? दसवीं का धागा नहीं होता, कहते हैं ना कि हम सब इस रिश्ते में पिरोए हुए हैं। आज पता लगे भी धागे नु कहंदे अमर जी, हो ठंडी हवा चली, शकील साहब नु खंग लग पैनी। यार शकील साहब दे पीछे प्यार है ना, मेरे नाल आया कर, मैं पुड़पड़ी पड़वानी है। सुन बंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गईया कुर्बान वे, मैं तो हो गईया कुर्बान वे, मैं तो हो गईया कुर्बान वे, मैं तो हो गईया कुर्बान। ये मिसरा भी गलत पढ़ रहे हो, तुसी हो गई कुर्बान, तुसी कुर्बान दा मजा लो, मैं तो हो गई कुर्बान दा। सारे कहते महंगा ले आया। मैं तो हो गई कुर्बान, मैं तो हो गई मासूमियत नाल हस के देख रहे ने, नखती दा बच्चा कौन है? जूते खाओगे तुम? रोटी का टाइम है, तुसी जूते खिला रहे हो। अच्छा आपने खाने का बंदोबस्त करके आए हो? मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो शकील साहब दो दलिया चमचे ला लेने। शकील साहब तो बुफे डिनर करेंगे आज। शकील साहब वर्गा बंदा अद्धा टीका जो तो लगता फिर रोड़ा शुरू करता है। शकील साहब आपको शरीफ आदमी मिले नहीं कुछ? तो पहले क्यों नहीं रोंदा? पहले ध्यान नहीं ना होंदा। शकील साहब वर्गा बंदा जो तो डॉक्टर को दवाई लेने जाता टीका अपना देंदे। या मेरा लाई तेरा पता नहीं किदा दा होना। जिस तरह तुसी जांदे हो फंक्शन ते कैसेट अपनी देंदे हो। शकील साहब दा चिट्टे रंग दी वजह ने बड़ी परेशानी होंदी। ओए शकील साहब दी जान छड्डो ना तुसी। नहीं तो होर की थे गल करिए, मेरे थे करना, असि जवाब लेना काम तो। नहीं नहीं ये क्या बात, जवाब शकील भी दे देगा तुम्हें। आफताब साहब का बंदा ईद मिलन तो पहले थप्पड़ मार दूंगा, ईद मुबारक। ए वजह से असि तुहाड़े ते नहीं करते। साडियां मिठियां भी फिक्कियां हो जांदियां ने, पत्थर दे होके बह जांदे ने, बंदा ही कर दिंदा हल्का जिहा। ओए होए होए, बस सारी च सवारियां बैठियां ने, शकील साहब वर्गे चढ़न देना कोई भी बहन दा नहीं कहंदा। बच्चे पजे फिर असी भी जो निके निके हुंदे साडे भी मां प्यो कहंदे सी बड़े सोहने हो तुसी।
ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਖੇਜ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀ ਤੁੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਦੂੰਗਾ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ किसी का नाम ले देते पागल एक धर्म मिलना था हाँ। एक धर्म के पीछे शबाज अतरे शबाज अतरे शबाज अतरे यार किस कदर करीब है वजाहत अतरे था ओ मैंने एक थप्पड़ मार बहुत चंगा काम किया जदों दा है प्यार नालो प्यारे सजना तेरे एक दिन असी तेरे अगे दिल हारे सजना प्यार नालो प्यारे सजना अच्छे गाने का सत्यानाश कर रहे हो ये किसकी कंपोजिशन है 85 रुपये है गेने 100 दिरम याद कर हसीब कादरी हसीब कादरी हसीब कादरी ओ पागल ओ 50 दे दियो वो तो राइटर थे अच्छा ओके मैं के आपके नाम रशीद अत्रे ओ अतर मेरे ज़हन च भी आ रहा सी लेकिन ओ माय गॉड देखो जात अत्रे भी नहीं बुझा गया और रशीद अत्रे ओ माय गॉड एक थप्पड़ और मार साल्या होली मार तू टाइम को नहीं देगा सालों पहुंच रहा था आए हो तो कुछ चैलेंज तो करके जाओ असी तो आवाज ला दे नहीं पीछे असी लड़िए क्या